हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इस पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल, जिसका हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इसके बाद वाली वीडियोस में, अपकमिंग जो वीडियोस होंगी उसमें हम माइटोसिस, मियोसिस और सेल साइकिल चेक पॉइंट्स एंड इट्स रेगुलेशन, ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, जो आपको हर तरह के एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है। जो सेल साइकिल रेगुलेशन है वो स्पेसिफिकली हायर एग्जाम्स में, जैसे कि CSIR, NET, IIT, JAM, इस तरह के एग्जाम्स जो होते हैं उनमें पूछा जाता है। बाकी के टॉपिक्स हर क्लास के लिए सफिशियंट होगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल जो होता है ये एक ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स है। हम लोग इसको ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे जो दोनों इवेंट्स हैं वो बैक टू बैक होती हैं। यहाँ पे मेनली हम दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं, दैट इज सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, विच इज कॉल्ड एज इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज और एम फेज, ये दोनों फेज की जरूरत क्यों है सेल को, ये पहले समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम अब ह्यूमन बींग की बात करते हैं, तो हम लोग बनते कैसे हैं? तो हमारे पास होता है ये, अगर मान लीजिए ये N है और ये भी N है, हैप्लॉइड कॉन्टेंट्स, यानी कि ये अगर मदर है और ये फादर है, इन दोनों का क्रोमोसोम क्या होता है, वो मेट करता है और यहाँ पे बन जाता है 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और यहीं से फिर सेल जो होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, राइट? तो सेल डिवीजन यानी कि हम पहले एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, वन सेल था यहाँ पे, फिर क्या होगा अगले सेल डिवीजन में, यहाँ पे हमें दो सेल्स मिलेंगे। तो ये जो दो सेल्स मिलेंगे, इनके पास क्या क्रोमोसोम का नंबर हाफ हाफ जाएगा? नहीं ना, यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे भी हमें 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए और यहाँ पे भी हमें 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा जब क्रोमोसोम का नंबर ही 2N है? इसी के लिए यहाँ पे दो तरह के फेजेस होते हैं सेल साइकिल में, जिसको हम इंटरफेज बोलते हैं और एम फेज बोलते हैं। एम फेज जो होता है वो रियल डिवीजन फेज होता है। यहाँ इस फेज में, यानी इस ये जो एम फेज है, यहाँ पे रियल डिवीजन होता है सेल का। बट जो ये इंटरफेज होता है, ये मेनली प्रिपरेशन फेज होता है सेल साइकिल का। प्रिपरेशन फेज का मतलब हो गया, यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर द पर्टिकुलर सेल डिविजन प्रोसेस। तो ये यहां से यहां आने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। तो इसीलिए प्रिपरेटरी फेज जो होता है सेल डिवीजन का, वो 95% होता है, और ओनली 5% जो पार्ट होता है या ड्यूरेशन होता है सेल डिवीजन में, वो होता है हमारा एम फेज का। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया है। तो क्योंकि सेल साइकिल जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरफेज एंड एम फेज है, तो इंटरफेज जो होता है वो खुद भी डिवाइडेड होता है तीन डिफरेंट फेजेज में। इसको हम बोलते हैं G1, S एंड G2 फेज। और एम फेज जो होता है उसमें आते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एम फेज में ही इन सभी के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। तो ये जो दो टर्म है इसको समझ लेते हैं जरा, साइटोकाइनेसिस एंड दूसरा टर्म होता है कैरियोकाइनेसिस। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों टर्म्स में, ये समझ लेते हैं। साइटोकाइनेसिस को बोलते हैं हम, साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होगा, काइनेसिस इज डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और कैरियोकाइनेसिस हम किसको बोलते हैं, कैरियन टर्म का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है, इस वाली पर्टिकुलर प्रोसेस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, राइट? तो न्यूक्लियस डिवीजन जब होगा तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होगा इसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो अब एक बार सेल डिवीजन देखते हैं। इसमें मेनली क्या होगा, ये देखो आप, इसमें ये हमारा G1 फेज है, फिर ये हमारा S फेज है, फिर से फॉर एग्जाम्पल ये हमारा G2 फेज है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये वाला जो है ये साइटोकाइनेसिस। तो यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम। तो ये वाला जो पूरा पर्टिकुलर फेज है, यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक, टिल हियर, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम G1 टू G2, ये सारा हमारा किस में आता है, ये आता है हमारा इंटरफेज में। और ये वाला जो फेज है हमारा, दिस विल कम अंडर एम फेज। इसी G1 फेज में एक और फेज आता है, इसको हम बोलते हैं G0 फेज, इसको हम क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। क्विसेंट फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल्स जो होती हैं वो स्टॉप करती हैं ग्रोथ अपना, वहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे सेल्स जो हैं वो रिलैक्स करती हैं, इसको हम G0 फेज भी बोलते हैं। ये वाला जो फेज होता है G0 फेज, यहाँ पे सेल्स अगर एंटर कर जाएं आफ्टर माइटोसिस, तो ये यहाँ पे कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों या सालों के लिए
लिए भी रह सकती हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। न्यूरॉन्स हो गए, स्केलेटल मसल्स हो गए, तो ये जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे सेल्स टर्मिनली डिफरेंशिएटेड जी नॉट फेज में रहती हैं और जब जरूरत होती है तभी ये इस फेज से बाहर आएंगी। और यहाँ पे सेल डिविजन क्या होता है? नहीं होता है, क्लियर। और अगर सेल को डिवाइड करना होगा तो ये जी वन फेज, एस फेज एंड जी टू फेज देन एम फेज यहाँ पहुंचेंगी। तो बहुत बार गेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमें दिया हो कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे होते हैं, तो हमेशा जी वन फेज से सेल जाएंगी एस फेज में, फिर ये जाती है जी टू फेज में और तब आता है एम फेज। तो ये करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको याद होना चाहिए। अब जरा समझते हैं ये तीनों फेजेस में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं और गैप फेज भी बोलते हैं, और एस फेज जो होता है इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। और गैप फेज में ये मेनली गैप वन फेज होता है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो फेज होता है इसको हम बोलते हैं गैप टू फेज। पहले पता है साइंटिस्ट को ये लगता था कि ये जो सेल साइकिल का जो ये इंटरफेज वाला पार्ट है जिसमें 95% टाइम सेल्स पड़ा हुआ होता है, तो वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा होता, लेकिन वहाँ पे वो अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहा होता, वहाँ पे वो प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो ये जो जीवन फेज होता है, जीवन फेज में सेल जो है वो मेटाबॉलिकली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव हियर। इस पर्टिकुलर फेज में, दैट इज जीवन फेज में, ऑर्गेनल्स जो होंगे उनका डुप्लीकेशन होता है और इसी फेज में सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन भी स्टार्ट हो जाता है। फिर आते हैं एस फेज, सिंथेसिस फेज हम बोलते हैं। ये सिंथेसिस फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे होता है डीएनए का सिंथेसिस और डीएनए का यहाँ पे होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन का मतलब आपको पता होगा कि ये अगर दो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये भी अगर पेरेंटल स्ट्रैंड है, तो इसमें क्या होगा, जब यहाँ एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा और यहाँ पर भी एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, तो ये जो दोनों स्ट्रैंड होंगे इनको हम डॉटर स्ट्रैंड बोलेंगे। तो ये बोलते हैं हम इसको रेप्लिकेशन, मतलब इसी स्ट्रैंड के जैसा अगला एक नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस होना। फिर आते हैं हमारे जी टू फेज में सेल की क्या होती है? ग्रोथ होती है। अब सेल में क्योंकि डीएनए डबल हो चुका है, डीएनए का डबलिंग क्यों जरूरी था? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर ये 2n नंबर ऑफ सेल है, जो अगर जाइगोट है, तो एक सेल है और एक सेल से इसको दो सेल में बनना है, तो ऐसा तो नहीं है कि हाफ ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे चला जाएगा या हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे चला जाएगा। अमाउंट ऑफ कॉपी नंबर ऑफ डीएनए वो सब कुछ भी तो यहाँ पे मेंटेन रहना चाहिए, तो जितना यहाँ था एग्जैक्टली उतना यहाँ आना चाहिए, बिकॉज ये हम सिंपल सेल डिविजन की बात कर रहे हैं, माइटोसिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए सेल जो है वो क्या करते हैं, एस फेज में ही रेप्लिकेट कर लेते हैं ताकि दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं उनके पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड इक्वल अमाउंट ऑफ जो डीएनए का कॉपी है वो जाए। तो उसी से पहले यहाँ पे फिर सेल क्या करेंगे, सेल पहले ग्रो कर लेंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पे जो भी उनको प्रोटीन चाहिए होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ये यहीं पे बना लेते हैं। जी टू फेज में ही इनका प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेज में आकर के सेंट्रोसोम्स जो हैं उनका रेप्लिकेशन क्या होता है, वो फिनिश होता है। तो यहाँ पे सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन बिगिन हुआ था और यहाँ आकर के ये फिनिश होता है। तो अगर ये हम सेल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मेनली हम बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ हमारा जीवन फेज, एस फेज और जी टू फेज, ये तीनों फेज हमारे यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। सिर्फ एग्जाम्पल, ये जीवन था, ये एस था और ये जी टू था, तो अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे एम फेज में। अब हमने एक चीज और बोली थी कि सेल डिविजन में 95% टाइम जो होता है वो ये तीन फेजेस का होता है, जीवन, एस एंड जी टू। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें ह्यूमन का, ह्यूमन सेल इन कल्चर, और यहाँ पे हम सेल डिवीजन को देख रहे हैं कि कितना टाइम कहाँ पे लगता है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि सिर्फ एग्जांपल अगर ये सेल कल्चर में ह्यूमन सेल डिवाइड करने में 24 आवर्स लगाता है, फर्स्ट एक डिवीजन कंप्लीट करने में ये 24 आवर्स लगाता है, तो उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि ये कितना कितना टाइम हर फेज में गुजारने वाला है। सो जीवन फेज में ये अराउंड 11 आवर्स इसको चाहिए होते हैं, एस फेज में इट विल टेक अराउंड 8 आवर्स और जी टू फेज में इसको करीब 4 घंटे चाहिए होते हैं। तो 11 और 8, 19 और ये 4, 23 हो गए, है ना? तो हमारे पास बचा कितना? सिर्फ 1 घंटा। तो ये जो 1 आवर है, सिर्फ यही 1 आवर का टाइम सेल एम फेज में गुजारेगा और यहीं पे माइटोसिस हो जाएगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एम फेज भले ही छोटा फेज हो, बट उससे पहले जो ये जो इंटरफेज है, जो बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन का फेज होता है, यहाँ पे सारी तरह की प्रिपरेशंस होती हैं ताकि एम फेज स्मूथली निकल जाए। अलग अलग फेजेस ऑफ इंटरफेज में जो ये डिवीजन का टाइमिंग है वो सेल टू सेल वेरी करता है। ये एग्जांपल हमने ह्यूमन सेल्स का लिया था और ये ह्यूमन सेल्स जो कि सेल कल्चर में रखे हुए थे। हियर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि से फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, क्रोमोजोम्स होंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए क्रोमोजोम है, ये दोनों जो होंगे ये क्या हो जाए,
जाएंगे, होमोलोगस पेयर हो जाएंगे क्रोमोसोम के, और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों भी आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम के एग्जांपल्स हैं। अगर मानते हैं कि ये वाला जो स्टेज है यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना है 2n, तो 2n इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे डीएनए की जो कॉपी है वो कितनी है 2c, तो कॉपी ऑफ डीएनए जो है वो 2c है। ये हमारा फेज है सेल का G1 फेज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एस फेज, यहाँ पे होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पे क्रोमोसोम कितना रह गया एस फेज में, यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर हमारा 2n ही रहेगा, यहाँ पे हमारा सिर्फ बढ़ क्या रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा, यहाँ पे क्या बढ़ा, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल जो था वो डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, तो इसलिए ये वाली चीज जो है ये 4c हो जाएगी, बट क्रोमोसोम जो है वो 2n ही रहा। फिर उसी तरीके से अगर हम G2 फेज को देखें तो G2 फेज जो होगा वहां पे ये सारी चीजें सेम रहेंगी, और G2 फेज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये अगेन 2n ही रह जाएगा, और जो डीएनए का कॉपी है वो भी सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ क्या होती है, यहाँ पे सिर्फ होती है ग्रोथ, इस वजह से यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन कई बार नोटिस किया होगा, ये गेट IIT जैम टिफर IISc हर तरह के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नीट के पेपर में भी कई दफा पूछा गया है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये वाला छोटा सा पॉइंट जरूर याद रहे। सो ये तो हो गया सारा G1 S और G2 फेज की बात, और फिर आते हैं हमारे M फेज। M फेज में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। तो ये जो दोनों चीजें हैं साइटोकाइनेसिस प्लस कैरियोकाइनेसिस, और ये सारी चीजें जब फिनिश हो जाएंगी उसके बाद हमारा एक सिंगल सेल साइकिल कंप्लीट होगा। अब हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे माइटोसिस के बारे में, और उसके नेक्स्ट में मियोसिस के बारे में, और उसके बाद हम जरूर डिस्कस करेंगे सेल साइकिल कंट्रोल या सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR नेट एस्पिरेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये वीडियो समझ आई है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और उन सभी जगह पे मेरा पेज नेम सेम है, दैट इज एस पाठशाला। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।